जय श्री राधे कृष्णा जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है HP विलेज लाइफ तुलसी देवी। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, शाम के बज चुके हैं 7 और हम आए हैं अभी अभी खेतों में, क्योंकि शाम के टाइम इसलिए आना पड़ता है क्योंकि जो भी हमें पौधे लगाने होते हैं वो मिट्टी थोड़ी ठंडी ठंडी भी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा दिन बहुत ज़्यादा धूप होती है और ज़्यादा धूप होने की वजह से मिट्टी बिल्कुल गर्म रहती है। तो ये देखो पीछे पानी दे दिया, पंकज आ गया था मेरे से आगे और अब हम लगाएंगे यहाँ से मिर्ची के और पौधे जो कि ये लग चुके हैं, और थोड़े बहुत जो पौधे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं वो भी लगाने हैं हमें, जो ख़त्म हो चुके हैं, और नए पौधे आगे को भी लगाने हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद हम ये पौधे लगा रहे हैं क्योंकि बीच में टाइम ही नहीं लग रहा है, और अब हम कुछ दिनों तक माथे पे बिंदी और मांग में सिंदूर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेरे जो जेठानी जी हैं उनके मम्मी एक्सपायर हुए हैं आज ही। तो सुबह हम वहाँ पर गए थे, वो शाम को ख़त्म हो गए थे, तो पहले दिन वहीं चले गए थे, हम गए थे सुबह। तो सुबह वहाँ से आकर फिर अपने नहाने धोने का काम होता है, और लंच करने के बाद फिर दोपहर को बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है जिसके कारण कोई भी काम नहीं हो पाता है, घर का भी नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। तो इस वक्त आए हैं हम खेतों में, अब लगाएंगे यहाँ मिर्ची के पौधे और अपने वीडियो की शुरुआत भी यहीं से कर दी है, और एंडिंग करेंगे अपनी वीडियो की कल, ठीक है? आज यही बनाएंगे थोड़ी सी वीडियो की, हमने यहाँ आए हैं और अब फटाफट से जितने भी मिर्ची के पौधे लगा पाएंगे अंधेर तक, जब तक हमें दिखेगा ना तब तक हम मिर्ची के पौधे लगा देंगे, और जब अंधेरा ही हो जाएगा ना तो फिर दिखेगा इन तो पौधे भी कैसे लगाने। और जो हमने पहले के मिर्ची के पौधे लगाए हैं वो मैं आपको थोड़े से बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, क्योंकि उन्होंने नीचे की नमी पकड़ ली है, ठीक है? और कुछ पौधे जो चले गए हैं उनको दोबारा लगाएंगे। तो इन्हें मतलब एक हफ्ते से कम ही हुए अभी, और इन्होंने थोड़ी नमी पकड़ ली है, पाँच छः दिन हो गए, मतलब हफ्ता ही मान के चले आप। तो थोड़ी थोड़ी इन्होंने नमी पकड़ ली, बस एक बारिश की ज़रूरत है, अगर बारिश हो जाती ना तो ये पौधे जल्दी जल्दी से चल पड़ने थे। तो इनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी देकर इन्होंने नमी तो पकड़ ली है, और कुछ पौधे चले गए, जैसे कि ये पौधा चला गया ना, ये देखो गया भी नहीं है ये, पर ये मुरझा गया इस तरह से, ये देखो ऐसे। तो नीचे की जो डंडी है ना इसकी, ये तो हरी है, तो चलो देखते हैं, कुछ पौधे चले गए, ठीक है? तो यहाँ लाइन इस तरह से दी जा रही है, और इसके बीच बीच में लगाएंगे पौधे, और जो थोड़े बहुत मिर्ची के पौधे बच जाएंगे वो मैं बांट दूँगी अपने आसपास में जिनको ज़रूरत होगी उनको, क्योंकि हमने यहीं तक लगाने हैं जहाँ मिर्ची का ये बेड है, पनीरी है, यहाँ तक ही लगाएंगे हम। इससे आगे लगाएंगे अदरक, और अदरक से आगे देखते हैं क्या लगता है, ठीक है? अदरक ही थोड़ा सा अदरक है, और अरबी का बीज है नहीं हमारे पास, तो अरबी ही लगाएंगे, और यहाँ पर वो खा लेते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सैल वगैरह, सैल बोलते हैं, ठीक है? तो मौसम किसी इस तरह सा का हो रहा है, हर रोज़ बारिश आती है, हर रोज़ पर एक भी बूंद नीचे नहीं पड़ती, और हमारा जो मक्की बीजने का टाइम है वो भी ओवर हो रहा है, देखिए, ठीक है? इस तरह का मौसम बन जाता है हर रोज़, पर बारिश की बूंद नहीं पड़ रही, और लोगों ने चारों तरफ जंगल जला के ना बहुत बुरे हाल कर दिए, ऐसी थोड़ी सी जगह भी नहीं रखी है जहाँ लोग आग जलाना छोड़ रहे हैं। और ये जो हमारा कटबॉल का टिब्बा है ये भी पूरा जलकर राख हो गया है, ठीक है? यहाँ बहुत ज़्यादा घास होती है, जब हमारे गांव में घास की कमी होती थी तो हम इस कटबॉल के टिब्बे से काफ़ी घास लाते हैं, जब हमें घास की ज़रूरत होती है। तो ये तो पूरा ही जल गया है, और ये वाली धार भी पूरी जल गई है ऊपर ऊपर से, ठीक है? तो चलो हम पौधे लगा लेते हैं। अब जो भी वीडियो, अब अपनी वीडियो की एंडिंग कल होगी, और कल तक मैं क्या क्या आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं जेठानी जी के साथ बात करने आते हैं, हमारे गांव में जब किसी के रिलेटिव डेथ होती है तो उनसे बात करने आते हैं। तो ये आए थे दीदी से बात करने, उनके मम्मी एक्सपायर हुए हैं, तो इनको पता था कि इन्होंने ना मिर्ची की पनीरी दी हुई है, तो ये आए मिर्ची के पौधे लेने के लिए यहाँ, ठीक है? और मैंने भी अभी थोड़े से लगाने, बाकी दे देने हैं। पहले आतन लगाना,
तेजू से बोल लगता है काम हो रही है। तो सुबह का टाइम हो चुका है और टाइम हो गया है 7:45 और हम आ गए हैं खेतों में। आज हम अदरक और बेजू निकाल रहे हैं, और क्या बोलते हैं इसको, अरबी, बेजू भी बोलते हैं, अरबी बोलते हैं और कुछ आलू भी बोलते हैं। तो आज बच्चों को भी छुट्टी है, ममता को भेजा है आज मैंने अपने काम पे, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ बुखार जुकाम जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये अदरक के मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ ना, बड़ी बड़ी लूंगी आ गई है इसकी, क्योंकि हमने इसको ना सुखाया नहीं है। एक अगर एक बार सुखा दिया होता ना, इसको धूप लगा दी होती तो इतनी लंबी लंबी लूंगी नहीं आनी थी, इसकी छोटी छोटी लूंगी रहनी थी। और अब जब इसको बीजेंगे मिट्टी में ना, तो ये टूट जाती है, फिर ख़राब हो जाता है अदरक। के देखो नीचे यहाँ भी कितनी लंबी लंबी लूंगी आ गई है। हाँ, इतनी छोटी छोटी लूंगी चाहिए होती है, जैसे कि ये है ना छोटी छोटी, तो ये नहीं टूटनी थी जब हमने इसको बीजना था, और यहाँ छुपा कर रखे थे बेजू। तो ये कुछ तो सड़ गए हैं, और कुछ इस, चलो बेजू का तो कुछ नहीं है, बेजू की लूंगी तो ठीक है। और तो 8 बजे ना इतनी ज़्यादा धूप लगी है, पर चलो आज काम तो करना निपटाना पड़ेगा, क्योंकि आज बच्चों को छुट्टी है, तो बच्चों की छुट्टी का फ़ायदा तो लेना पड़ता है भाई। ठीक है, तो चलो हम फटाफट से निकाल लेते हैं और उसी खेत में बीजेंगे जिस खेत में नीचे हमने बिजली लगाई। पता नहीं आज मैं क्या क्या बोली जा रही हूँ। जिस खेत में हमने नीचे ना वो मिर्ची का बेड दिया है, उसी खेत में लगाएंगे अदरक भी। और ये है आम का बूटा, ये पता नहीं 2-3 साल का हो गया, पर इसमें आम भी नहीं लग रहे। कलम भी करवाई थी, पर पता नहीं अब क्या कमी है इनको, क्यों नहीं लग रहे इनमें आम। एक तो बूटा ये है, और एक ये है, और एक ये पर है जैसे, तो बड़े दुखी कर दिए इन्होंने, आम ही नहीं लग रहे इनमें। अब पता नहीं क्या कमी रह गई है इनमें। मैं अरबी का टोकरू लेकर जा रही हूँ, टोकरी को, और हस्बैंड जी लाएंगे अदरक का टोकरा, और ये है मेरे पास छोटी सी टोकरी। और तबीयत बिल्कुल ना बहुत बुरे हाल हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, रात को तो सांस ही बंद हो जाती है। तो अदरक हमने ज़मीन में छोड़ दिया खेतों में, ये देखो इस तरह से, इतनी इतनी दूरी पे छोड़ा है। चुप रहो, आप मुझे बोलने दो पहले, फिर पावाला। ठीक है, ये देखो इतनी इतनी दूरी पे रखते हैं अदरक। और ये पंकज ने बनाई है, ये पंकज का काम है, हम अदरक लगा रहे हैं, और इस तरफ परली तरफ मिर्ची के पौधे लगे, और ये जो थोड़ी सी जगह बची है ना, ये वाली यहाँ भी हम मिर्ची लगाएंगे, ये थोड़ी सी बची, बाकी परे भी लगा दी है, यहाँ पे भी मिर्ची लगेगी। ठीक है, और जो पौधे बचेंगे मिर्ची के उसको हम बांट देंगे। और लाए पंकज, और अब हम आपको थोड़ा सा लगा कर बता देते हैं कि इस तरह से लगाते हैं पहाड़ों में अदरक। तो इस ब्लॉग को यहीं पर क्लोज करते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग पता नहीं 9 मिनट का हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा बताया तब भी 9 मिनट का हो गया। ठीक है, तो डेली रूटीन का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।